हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने दो ड्राइंग बनाई है, एक बनाई है ऑयल पेस्टल से और दूसरी बनाई है मैंने पोस्टर कलर से। पर इसमें मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या और कैसे करना है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या चीजें नहीं करनी है। सो मैंने एक सिंपल जो हम रेगुलर पेपर यूज करते हैं, मैंने उसका यूज किया और उसमें मैंने ट्राई किया कि इन दोनों मीडियम से कोई ड्राइंग बनाऊं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई मुझे। और इस वीडियो में मैंने वही दिखाया है कि आपको अगर आप कोई अलग मीडियम का यूज करते हैं किसी अलग पेपर पर तो उसका रिजल्ट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप का यूज किया है और उससे सन के लिए कवर बनाया है ताकि जब भी मैं कोई ऑयल पेस्टल से कलर करूँ सो वो सन के अंदर ना जाए, बिकॉज हमको वो पूरा वाइट चाहिए। यहाँ पर मैंने कलर्स ले लिए हैं, लाइट टू डार्क मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे थे। यहाँ पर जो मैंने आउटलाइन ली है वो उसको मैंने काफ़ी डार्क किया है ताकि मुझे वो कलर के अंदर से भी दिखाई दे। अभी यहाँ पर मैंने कलर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने पेपर लिया है वो एक स्मूथ पेपर है, सो मैं बस ट्राई करना चाहती थी कि स्मूथ पेपर पे भी अच्छे से वर्क करता है या नहीं। सो देखने में तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से इसका कलर आ रहा है। इसी तरह से मैं वन बाय वन सारे कलर लेते जाऊँगी और इसको अच्छे से सर्कल वे में मुझे कलर करना है ताकि मैं एक लाइट टू डार्क शेड का ग्रेडियंट दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है, उसको भी मैं सेम इसी तरह से कर रही हूँ कि जो सर्कल वे में है बस उसके आसपास मैं कलर करते जा रही हूँ। तो मैंने कलर करते करते एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस की कि जब मैं इसको डार्क करने की कोशिश कर रही थी या अच्छे से फिल करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे इसके कलर के लम्ब्स दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पेपर पे स्टिक नहीं हो रहा है और बस ऊपर ऊपर रह रहा है। मिस्टेक यहाँ पर ये थी कि आपने ऑयल पेस्टल्स के लिए स्मूथ पेपर नहीं लेना है बल्कि रफ़ पेपर लेना है, बट वो रफ पेपर ज़्यादा भी रफ नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। ब्लेंडिंग के लिए मैंने एक कॉटन का क्लोथ लिया है और देखो जब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ सो जो कलर है हमारा वो पूरा निकल रहा है। वो पूरा जब मैं ब्लेंडिंग कर रही थी तो वो पूरा क्लोथ पे चिपक गया था और सारा कलर फेंट हो गया था, जैसे कि आप देख सकते। पेपर रफ ना होने की वजह से वो कलर को होल्ड ही नहीं कर पाया, इसलिए सरफेस पे ज़्यादा कलर रह गया और जब हम ब्लेंड कर रहे थे तो सारा कलर निकल गया। और यहाँ पर मैंने ब्लैक पोस्टल कलर का यूज़ किया है। सो मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं ऑयल पेस्टल्स के ऊपर पोस्टल कलर वर्क करता है कि नहीं। अगर आप पतला कलर यूज़ करोगे सो वो इतने अच्छे से नहीं बैठेगा, अगर आप थोड़ा सा थिक कलर यूज़ करते हैं सो वो लग जाएगा अच्छे से। सो यहाँ पर हमारी बैलेरीना ऑलमोस्ट रेडी है। जब भी आप डिफरेंट मीडियम के साथ डिफरेंट मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो मैंने जितने भी इसमें मिस्टेक्स किए तो मुझे इसमें से काफ़ी सीखने के लिए मिला कि किस मटेरियल के साथ कौन सा मीडियम वर्क करता है। जैसे मुझे पता लगा कि स्मूथ पेपर बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए ऑयल पेस्टल्स के लिए। This one is ready. So मैंने मेरी next drawing भी यहाँ पर ready की है और मैंने दोनों भी same ही drawing बनाई थी ताकि मैं अच्छे से differentiate कर पाऊँ। मैंने यहाँ पर एक flat brush लिया है जो कि थोड़ा angle brush है और यहाँ पर मैंने सारे poster colors जो भी मुझे चाहिए थे मैंने already निकाल के रखे हैं। यहाँ पर जो मैं poster color use कर रही हूँ वो है camel के। So आपके पास जो भी available है आप use कर सकते हैं। Paper में वही use कर रही हूँ जो मैंने पिछले medium के लिए use किया था। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करते हो तो जो आपका पेपर है वो मुड़ने लग जाएगा और अगर आप कम पानी का यूज़ करते हो तो वो इतना नहीं मुड़ेगा। जहाँ पर मुझे ब्लेंडिंग की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने वाटर का यूज़ किया है एंड इसी तरह मैं सारे कलर देते जाऊँगी। मैं थोड़ा वाइट में फिर येलो मिक्स किया, येलो में थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया, इसी तरह मैं थोड़े डार्कर शेड की ओर जा रही हूँ। बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स हैं और बहुत सारे ऐसे मीडियम है जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो पोस्टर कलर भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। पहले कभी स्कूल में यूज़ किया था, उसके बाद से मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है।
एंड नाउ मैं बहुत दिनों बाद इसे यूज कर रही हूँ एंड इसी तरह मैं ये भी पेंटिंग कंप्लीट कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर लिया है और इसको भी मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ येलो के साथ में। दिस इज़ माय सेकेंड लेयर। तो अगर आप पोस्टर कलर का यूज़ करते हैं सो आपने सबसे पहले अपनी फर्स्ट लेयर को पूरी तरह से ड्राई होने देना है, उसके बाद ही आप उसके ऊपर सेकेंड लेयर कीजिए। सो जैसे कि मैंने पहले बैकग्राउंड बना लिया फर्स्ट लेयर में और फर्स्ट लेयर पूरी तरह से सूखने के बाद यहाँ पे मैं बैलेरिना को पेंट कर रही हूँ। अगर आपका पेंट गीला है और उसके ऊपर आप कुछ और पेंट करने जाओगे जो नीचे का कलर है और ऊपर से जो आप कलर लगा रहे हो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे एक साथ, या फिर वो फैल भी सकते हैं पानी की वजह से। सो वो काफ़ी आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकता है। सो मेक श्योर कि पहले आप फर्स्ट लेयर को सूखने दो और फिर सेकंड लेयर को अप्लाई करो। और इसी तरह से मैं बैलेरिना को भी पूरा कलर कर लूँगी। और यहाँ पर हमारी ये भी पेंटिंग रेडी हो चुकी है। यही सारी मिस्टेक्स थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए ताकि आप इस चीज को ध्यान में रखो। जैसे कि यहाँ पे ऑयल पेस्टल्स का मैंने बनाया, यहाँ पर पोस्टर कलर का बनाया है। सो मुझे ऐसा लगा कि पोस्टर कलर का सूखने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, ज्यादा पेपर मुड़ा हुआ नहीं लग रहा। वरना मुझे पहले स्टार्टिंग में जब वो भीगा हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुड़ गया है और अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सूखने के बाद ये थोड़ा लग रहा है कि अच्छा है। लेकिन फिर भी आप उसमें कोई मोटा पेपर ही यूज कीजिए, पतला पेपर आप यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा खराब हो सकता है। और जो ऑयल पेस्टल्स का था तो मुझे ऐसा लगता है कि रफ ही सबसे बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि ये स्मूथ पेपर पे बिल्कुल काम नहीं करता है, ये बिल्कुल चिपकता नहीं है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय मिस्टेक्स जो मैंने इन दो ड्रॉइंग्स में की है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।